नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। और एक बार फिर बड़ा इंटरव्यू लेकर के आए हैं पंडोकर धाम में, जो कि कच्छ से आए हैं, 1800 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर आए हैं। हाँ, पहले तो मेरा नाम दर्जी महेंद्र भाई जी। और यहाँ मैं पहली दफ़ा आया था, तभी मेरे को महीने में दो दफ़ा लोई चढ़ती थी, लोई मतलब लौन, वो चढ़ता था और लीवर ख़राब था। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की तो उसी दिन से बोला आज से तो मेरे को नहीं होगा, और उसी दिन से बंद हो गया, मैं अच्छा हो गया। फिर दूसरी बार आया तभी हमको इसने दर्शन दिया था, गुरु महाराज ने दिया था, और अपने हाथीवार महाराज और पांडुकर सरकार ये कह रहे थे कि अभी मैं गुरु शरण महाराज के अंदर ही हूँ, और मेरे को दर्शन दिए थे। और महाराज ने मेरे को टाइम भी बताया कि तुम्हारे को गद्दी प्राप्त होगी, ऐसा हमको बताया था। मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, पर उसकी वाचा जो है गुरु जी की, मैं तो उसको हनुमान जी समझ रहा हूँ। मेरे को यहाँ आया तभी मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा था, पहली दफ़ा मैं ट्रेन में बैठा, और प्रार्थना बहुत की, मुझे बीच में से बुलाया था, कोई ऐसा नहीं कि लाइन लगाओ कि ऐसा कुछ नहीं, बीच में से उठाया था और बोला था कि तुमको भी एक दिन ऐसी गद्दी प्राप्त होगी। और हाँ, मेरा नाम दर्जी महेंद्र, हाँ मैं ऐसे वहाँ सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा। मेरे डॉक्टरों ने बताया था लीवर ख़राब है और लोई के बाटले लोई नहीं बनता था, तो मैंने रिपीट किया, बराबर हो गया और लोई बंद, उस दिन से लोई बनना हो गया। दिन में आप सही हो गए थे? मैं तो बस यहाँ से गया और 8 दिन में सही हो गया था। मैंने को बोला तुझे गया समझो, एकदम स्वस्थ है, कोई जात की तकलीफ नहीं है। तो इनका लीवर खराब हो गया था और 8 दिन में ही पंडोकर धाम के आशीर्वाद से इनका लीवर स्वस्थ है, ये जैसा कि आपकी जनादल न्यूज पर बता रहे थे। और उनके गद्दी भी उनकी लगेगी, ऐसा भी उन्होंने पंडोकर धाम की ओर से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो आपकी जनादल न्यूज का सबसे बड़ा अपडेट अब तक। मेरा नाम रामेंद्र सिंह धाकड़ है, उर्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़, मैं तहसील कैलारस से हूँ और डिस्ट्रिक्ट मुरैना मध्य प्रदेश जी। मैं हाँ बहुत अच्छा लगा, और मैं काफ़ी 8 साल से यहाँ आ रहा हूँ निरंतर, और मेरे 2-3 काम थे, मेरी अर्जी लगी थी महाराज जी के दरबार में, तो वो उन्होंने जो तारीख फिक्स की थी उसी तारीख में मेरा काम हुआ है। जैसे कि मेरी बेटी कक्षा 5th में पढ़ती थी, उस टाइम में महाराज जी ने बताया कि इसका नवोदय में होगा, नवोदय विद्यालय में 15 जून 2013 को, तो उसी तारीख में रिजल्ट आया, उसी तारीख में बेटी का हुआ जी। दूसरी बात, मेरा एक मकान था जो कैलारस में ही है, पुरानी सब्जी मंडी में, उसका कुछ लोग मुझे फर्जी रजिस्ट्री कर गए थे, तो मैं बड़ा चिंतित, और जिसके नाम से जो रजिस्ट्री थी उसने कोर्ट में लगा दिया उसको, तो मेरी रजिस्ट्री शून्य हो गई। तो मैंने यहाँ दरबार में अर्जी लगाई महाराज जी श्री पंडोकर सरकार के चरणों में, तो गुरु शरण महाराज जी ने बताया कि आपका काम 15 तारीख को निपटेगा, लेकिन पैसों से निपटेगा। उसी तारीख में मेरा काम निपटा और पैसों से निपटा। मैंने मेरा द्वारा से 14 लाख खर्च हुआ था, लेकिन आज वो मेरी 2 करोड़ की जगह है कम से कम जी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि वास्तव में यहाँ सच्चाई है, और इस चीज़ को कोई चाहे कैसा भी आ जाए, यहाँ झूठ का तो कोई काम है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है पंडोकर महाराज के व्यक्तिगत? नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं है, वो गुरु शरण शर्मा जी हैं, जाति भी मेरी अलग है, मैं धाकड़ हूँ, किरार हूँ, ओबीसी से आता हूँ वैसे तो, लेकिन 8 साल का मेरा अनुभव है यहाँ का, 8 साल का मेरा जो अनुभव कहता है, मैं कोई अनपढ़ तो हूँ नहीं, मैं MA हूँ, BEd हूँ, इंग्लिश से MA हूँ मैं, और एक एक कटु सत्य है यहाँ पे, कोई भी झूठ का काम है ही नहीं। और भी जो मैंने मन में, जैसे यहाँ से प्रार्थना मैं कर लेता हूँ घर से, वो मेरा काम हो ही जाता है, सक्सेस होता है हर चीज़ में। पैसे से मैं डॉक्टर हूँ, हाँ प्रैक्टिस करते हैं, मैं कैलारस में करता हूँ, ऑर्थो प्रैक्टिस हूँ, हाँ RMP हूँ वैसे मैं, और महाराज जी की कृपा से मेरा सारे काम समय पे बनते हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेके आना चाहिए, और जो विधि विधान से जो महाराज जी कार्य यहाँ बताते हैं कि इस तरीके से पुष्पावती गंगे मैया में स्नान करना है, उसके बाद नीम वृक्ष के दर्शन करना है, हनुमान जी श्री पंडोकर सरकार 40 करना है, ओम नमः शिवाय की माला करना है, उसके बाद पंच अखाड़े में जाना है, और यज्ञशाला के
परिक्रमा लगानी है, उसके बाद दरबार भी सुनना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे ऑनलाइन दरबार है, तो वहाँ से ही लोगों को काफ़ी वो हो गया है। लेकिन कुछ नास्तिक लोग होते हैं, जो कुछ नास्तिक लोग होती हैं तो वो कहती हैं कि अरे कुछ न कुछ चक्कर है, कैमरे लगे हैं या कोई जिंद है इन पे। तो बिल्कुल 100% गलत है, जो इनकी सोच गलत है। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, चाहे वो एक नहीं हजारों मावस्या कर लें, यहाँ ऐसे लोगों का भला नहीं होगा जिसको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए महाराज जी गुरुशरणी महाराज जी कहते हैं कि डॉक्टर के यहाँ जाओ आप, फीस दो, दवाई अगर उन्होंने लिखी है तो खानी पड़ेगी, तभी आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पंडोकर सरकार की जय। लगातार अपडेट पंडोकर धाम। बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या सच्चाई है, क्या नाम, कहाँ से आए? मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ ही आया हूँ, वही कैलारस मुरैना से। क्या लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, मैं भी इनके साथ काफ़ी समय से आ रहा हूँ। तो आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई? नहीं, मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी, मैं तो महाराज जी के दर्शन करने आता हूँ। डॉक्टर साहब की मन्नत पूरी हो गई, मैं उसी में समझता हूँ कि यहाँ सब कुछ सही है, सच्चा खेल है। मैं जीरापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा एक मित्र आया था अगली 4 तारीख को, वो सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए फार्म भरने के लिए आया था। वो तो उसको गुरु जी ने बोला था कि फार्म तो भर देगा, तुझे चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा, लेकिन चुनाव रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर उसने मुझे बोला आप वहाँ जाओ, मेरा भी बहुत नुकसान हुआ 2021 में। तो मैं भी 4 तारीख का ही आया हुआ हूँ, लेकिन जिसको भी मैंने देखा है सभी के काम हो रहे हैं। क्यों आप बैठते हैं दरबार में तो मतलब किसी का भी गलत नहीं बताया उन्होंने। क्या नाम है? गोविंद गोस्वामी। गोविंद गोस्वामी जी, क्या आप बताएंगे कि कितने समय पहले कहा था कि चुनाव रिजेक्ट हो जाएंगे? 4 तारीख दिसंबर की। 4 दिसंबर को आया था चुनाव नहीं? नहीं, 4 दिसंबर को मेरा मित्र यहाँ आया था, वो सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए वो आया था। तो आते से गुरुजी ने बोल दिया कि तेरा गांव प्रधान का योग है, तू प्रधान बनेगा। अभी तू यहाँ से उनने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मेरे पास आना, लेकिन चुनाव एक बार रिजेक्ट होएगा। और चुनाव की तारीख बताई इन्होंने 22 अक्टूबर 2022, बोले जब तेरा चुनाव होगा। तो अब चुनाव रद्द हो गए, अब देखते हैं कब चुनाव होता है। अरे की 22 अक्टूबर 2022 को पंचायत चुनाव होगा क्या? हाँ, गुरुजी ने ऐसा बोला है, लिख के दिया। हाँ, लिख के दिया गुरुजी ने। तो फिर मैं जीरापुर मध्य प्रदेश राजगढ़ जिला, राजगढ़ जिले से हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या समस्या? हम 4 तारीख के आए हैं, महोबा जिला से आए हैं। हमारी भी कृपा करें, बोल दें हमारा सुन। नंबर नहीं आया? नहीं, अभी नहीं ना, 4 तारीख के आए हैं। 4 तारीख को नंबर तो नंबर के हिसाब से आएगा, वो नंबर की बात अलग है। अच्छा, ये तो मीडिया वाले हैं, तो नंबर पूछ रहे हैं आपका क्या क्या भला जानकारी दे। आप आइए, आप ठीक है? कहाँ से आए? हम महाराज नौतनवा से आए हैं। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ये ऐसा देखे, हमको ऐसा माहौल होता है एकदम, जो भी सत बातें बोलते हैं एकदम सत्य होता है। अनुष्ठान और माला जाप वगैरह जो भी है, हनुमान जी की शरण में आए हैं, सारा काम हमको विश्वास है 100%। यहाँ पर तो पैसा बहुत लग रहा है। तो पैसे की बात नहीं, पैसा तो दवा में भी लगती है। पैसा यहाँ जो भी लगता है उसको दान दक्षिणा में ही तो सब खर्च हो जाता है, सब पब्लिक में ही खर्च हो जाता है। साम्राज्य खड़ा हो रहा है, इतना बड़ा साम्राज्य, ये बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ा ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे लिए तो हो रहा है, अलग से पैसे लाएंगे नहीं। जो पैसे हम देते हैं उस पैसों को यहाँ पे डोनेट होता है, हमारी सुविधा के लिए सारी चीज़ बनाई जा रही है। इतना बड़ा धाम बन रहा, आने वाले समय में एक तीर्थस्थल माना जाएगा। लोग पूछते पूछते नहीं, लोग लाइव होके आएंगे। जो भी यहाँ हो रहा है, जो जैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं 100% सही है। जो इंसान सोच के आता हो या होता है, जो यहाँ के सिस्टम से या सिस्टम को फॉलो करता है, जिस हिसाब से गुरुजी बताते हैं उस हिसाब से अगर चलता है तो 100% उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। भाई, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर जो नंबर लेट आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं? तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, एक शख्स, ये तो गॉड गिफ्ट है, गुरुजी को भगवान ने दिया है, सबके बस की बात तो है नहीं। यही सोचिए आप कि 24 घंटे हमारे बीच में बगैर खाए पिए गुरुजी लगे हुए हैं हर एक बंदे को, कि सब अपने अपने घर सकुशल जाए ठंडी में, सबका नंबर आए। और नंबर आएगा तभी जब उनको स्पेस मिले, तभी। बीच में इतने सारे प्रोग्राम हैं, उनको सब अटेंड करना पड़ता है, तो नंबर तो भाई रूल के हिसाब से ही आएगा। जो 11,000 पर्ची है उनकी, जो 1100 की पर्ची है उनकी, जैसा है, जिसके पास टाइम नहीं है भाई वो पैसा ज़्यादा दे के नंबर ले रहा है, जिसके पास कम पैसे हैं और 10 दिन रह रहा है तो 10 दिन गुरुजी की शरण तो रह रहा है, भजन भक्ति करे। गुरुजी दिखाते हैं कि रह के ऐसे आपको घर में भी करना है,
जैसे यहाँ कर रहे हो ऐसे घर में भी करना, रहोगे तभी सीखोगे, सिस्टम पे चलोगे तो सिस्टम की तरह रहोगे, अगर अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे के साथ रहोगे बुरे बनोगे। गुरुजी यहाँ यही दिखाते हैं कि 10 दिन 15 दिन रह के, वो जानते हैं जानबूझ के स्पेस देते हैं, अपने भक्तों को स्पेस देते हैं कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रह के देखो, यहाँ का सिस्टम फॉलो करो, जाके दरबार लगाओ, दरबार में देखो, गंगा जी नहाओ, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। सुनील कुमार साहू, प्रयागराज। प्रयागराज से सुनील कुमार साहू हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार अपडेट जारी है, जुड़े रहिए पंडोकर धाम से। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ राजा यपाल, नमस्कार। और आपकी जनता दल न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ, नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।